Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the songs. हेलो गाइस, स्वागत है फिर से पबजी मोबाइल लाइट की एक और न्यू वीडियो में। तो आज हम जाने वाले हैं स्टपोर्ट। जाने से पहले आप लोग को एक बात बता देते हैं कि मेरा पर्सनल आईडी 6 मंथ के लिए बैन हो चुका है, इसलिए हमें एक नया आईडी अपना फ्रेंड का आईडी से खेल रहे हैं आज गेम प्ले। तो गाइस, आप लोग यही गेम प्ले देखिएगा, आप लोग को 6 मंथ तक यही गेम प्ले यही आईडी से आएगा आप लोग को गेम प्ले। तो गाइस, ये भी आईडी का लेवल ही ज़्यादा हाई है, कितना मैक्सिमम 46 लेवल का होगा, 46 एंड 47 का। तो गाइस, यहाँ पे स्टपोर्ट उतरने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा लूट पाट करते हैं। तो कंटेनर पे एक ही बंदा आता है, तो देखिए उसको हम कैसे अभी भरेंगे। गाइस, यहाँ पे आप लोग को बंदा दिख गया होगा, तो देखिए यहाँ पे हम उसको अभी सामने जाके उसको अभी किल करेंगे। गाइस, यहाँ पे इसको किल करने के बाद इसका टीममेट यहाँ पे आता नहीं है, तो इसको किल यानी डायरेक्ट फिनिश करते हैं। उसके बाद चलते हैं नॉर्थ हिल के पास, जहाँ पे एक आपको बहुत बड़ा क्लच देखने के लिए मिलेगा नॉर्थ हिल के पास। यहाँ पे गाइस नॉर्थ हिल जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि बंदे कहाँ पे हैं। तो यहाँ पे ये क्लॉक वाला जो हाउस है, यहाँ पे होते हैं बंदे। तो देखिए यहाँ पे कैसे ये दोनों बंदे को अभी, यहाँ पे इसका टीममेट काटा पता नहीं होता है। तो देखिए इसका टीममेट भी आ ही जाता है, तो इसका टीममेट आता है, तो देखिए इसका टीममेट को भी अभी भरेंगे। ये दोनों को फिनिश करने के बाद इसका पेटी सेटी लूटते हैं। पेटी सेटी लूटने के बाद चले आते हैं हम डायरेक्ट नॉर्थ यानी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के साइड। यहाँ पे दो बंदे होते हैं, तो वो भी दोनों बंदे को अभी किल करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आप लोग को लास्ट तक यानी लास्ट वाले गेम प्ले वीडियो में आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पे एक लोंडा को पहले गाड़ी से चीपते हैं, उसके बाद दूसरे लोंडे को यानी उसके टीममेट को फिनिश कर देते हैं। उसके बाद बंदे को बहुत देर ढूंढने के बाद यहाँ पे आते हैं, ये जो कोठली के साइड होता है यहाँ पे दो बंदे होते हैं। तो देखिए ये दोनों बंदे को कैसे हम भी किल करने वाले हैं। यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं वेस्ट होता है बनियान लेवल 2 एंड लेवल 1 का, ये दोनों बेकार ही होता है, क्योंकि इसके कारण ही हम ये गेम प्ले में मरने वाले हैं। आप लोग को अभी नहीं दिखाया जाएगा, यानी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो मेरा किल यानी मेरा मरने का सीन आपको दिखाया जाएगा। यहाँ पे हम वेस्ट के कारण ही मरते हैं ये वाले गेम प्ले में। लेवल 1 का बनियान जो होता है एकदम बेकार, यानी वेस्ट पहने या ना पहने बराबर वही होता है। उसके बाद हम और मेरे टीममेट दोनों गाड़ी पे बैठते हैं, उसके बाद बंदे की तलाश में फिर चले जाते हैं, क्योंकि अभी मेरे 8 किल हुए हैं और यहाँ पे अलाइव 25 है। तो देखिए यहाँ पे हम लोंडो को अभी ढूंढेंगे और फिर जाके लोंडो को पे लेंगे अभी।
यहाँ पे सामने एक बोर्ड दिख जाता है, क्योंकि यहाँ पे ये भी आईडी का केडी मेंटेनेंस करना चाहिए केडी को। यह बोर्ड को हम किल कर देते हैं। उसके बाद जहाँ से हम आए थे वहाँ ही हमको फिर जाना पड़ता है। तो देखिए वहाँ पे एक बग्गी आती है और वहाँ पे फिर से दो बंदे आ जाते हैं। देखिए ये दोनों बंदे को इजीली किल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ मेरे वेस्ट के कारण ये दोनों बंदे से हम बड़े हैं। यहाँ पे हम पूरे डैमेज कर देते हैं और मेरा टीममेट आता है, एक गन गोली मारता है, उसको भी नॉक कर देता है। और यहाँ पे मेरा टीममेट भी फिनिश होने वाला है, आप लोग को अभी दिखाया जाएगा। तो गाइस उसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे गेम प्ले में, जो कि ये जो गेम प्ले आपको पहले दिखाया गया उससे पहले खेले थे ये वाले गेम प्ले में, इसमें कपड़ा नहीं यानी क्लॉथ नहीं मिला होता है। इस गेम प्ले में हम सोलो खेल रहे थे और यहाँ पे बंदे आए थे मात्र एक ही। तो देखिए वो बंदे को कैसे हम अभी पेलेंगे। जस्ट वो हमारे ऊपर ही हैं, उसको पता नहीं गन मिलता है कि नहीं मिलता है, वो गेट खोल के भाग रहा होता है। तो देखिए उसको कितना उजी मारेंगे, तब पर भी लोंडर लॉक नहीं होने वाला है। अगर आप या हम खेल रहे होते हैं, अगर पीछे से कोई पेल देता है यूजी से तो कितना गुस्सा उठता है, मगर ये बंदे को कितना भी पेले मगर ये बंदे नॉक नहीं होता है यानी किल नहीं होता है। तो देखिए लास्ट में यहाँ पर हील लगाता है लोंडो को, अभी कैसे किल कर देते हैं ये लोंडो को किल। हाइड्रा सानिब को किल करने के बाद चले जाते हैं बंदे की तलाश में ड्रॉप के पास, जहाँ पे आपको ये जो लोंडे होते हैं ये ड्रॉप के पास। तो देखिए ये लोंडो को कैसे अभी चिपेंगे, ये लोंडो भी क्या सोच रहा होगा कि तुरंत ड्रॉप लूटे तुरंत ही पे लेंगे। ये लोंडो को चिपने के बाद यहाँ पे थोड़ा इसका पेटी सोटी लूटते हैं, AWMR होता है ये लोंडे के पास। यहाँ पे आज हमको भी स्नाइपर यूज करने का मन कर रहा था है, तो इसलिए हम AWMR लूट पाट कर लेते हैं। उसके बाद हम लूटने के बाद फिर से आ जाते हैं स्टेडियम के पास ही। तो पहला AWM का शॉट आप लोग देखिएगा, अगर आप लोग को बंदा दिख गया होगा तो देखिए उसको AWM का शॉट देंगे और आप लोग लाइक कर दीजिएगा। गैस उसके बाद यहाँ पे ये लोंडो को AWM चिपकाने के बाद यहाँ पे एक और UAZ आ जाती है। तो देखिए ये वाले भी लोंडो को अभी UGI से कैसे पहलेंगे। गाइस यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से 1 मोटिवेशन मिलता है और एक सब्सक्राइब से 100 मोटिवेशन। तो प्लीज़ गाइस आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर भी वीडियो कर दीजिएगा अपने फ्रेंड के पास, क्योंकि आपको फ्रेंड को भी पता चल सके कि एक और क्या उसके आगे हम नहीं कुछ बोल सकते हैं। उसके बाद ये लोंडो को यानी सॉरी बंदे की तलाश में फिर चले आते हैं इधर सेंट्रल रोड के पास, जो कि बंदे मेरे पे पीछे बोट एक फायर कर रहा था। तो हम सोचे कि कोई एनिमी को बोट मार रहा होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं और ये एनिमी को थोड़ा देखते हैं यानी सॉरी बोट के साइड देखते हैं कि कौन सा एनिमी को वो बोट मार रहा है। तो यहाँ पे नहीं दिखता, तो उसके बाद हम AWM का रिलोड करते हैं, फिर से चले आते हैं स्टेडियम की तरफ, जहाँ पे हमको एक सामने गाड़ी आपको दिख रही होगी जाते यानी सामने जाते हुए। तो देखिए ये गाड़ी वाले को भी हम पेलेंगे अभी जस्ट आपके सामने ही। ये लोंडे पता नहीं कौन से नशे में होते हैं जो कि तुरंत पेले जाते हैं। उसके बाद ये लोंडो को पेलने के बाद हम आ जाते हैं ऊपर की तरफ यानी स्टेडियम की छत की तरफ, जहाँ पे मेरा थोड़ा सा आपको पहले ही बोल चुके हैं कि मेरा आईडी 6 मंथ के लिए बैन हो चुका है। तो ये भी आईडी में यानी थोड़ा सा कुछ सरबड़ी बीजी आया था, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कनेक्ट हो चुके थे यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद फिर से हम ऑनलाइन आए, तो देखें यहाँ पे स्कॉर्पियो और गनर कहाँ से आ गया था। उसके बाद हम ऊपर की तरफ जाते हैं लोंडो को ढूंढने के लिए, गनर का फायर आता है थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं फ्लेयर ड्रॉप की तरफ से, तो यहाँ पर से तो हमें एंगल नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद हम नीचे जंप कर जाते हैं, नीचे यानी पूरे नीचे ग्राउंड तक नहीं, ये छत के यानी फर्स्ट फ्लोर तक यानी सॉरी सेकंड फ्लोर तक। उसके बाद हम थोड़ा और आगे जा रहे थे कि हमें एंगल मिले और लोंडो को हम किल करें। उसके बाद तो पता नहीं वो लोंडो क्या हो जाता नहीं हो जाता हमको पता नहीं चलता। उसके बाद एक बग्गी आती है, तो देखिए उसको कैसे पट से हेडशॉट देते हैं। उसको पट से हेडशॉट देने के बाद सामने भी एक हमें दूर बंदा या बोट हमें तो नहीं पता चला, उसको भी AWM चिपकाते हैं।
उसके बाद एक आपको देख लिए होंगे स्विमिंग पूल वाले, घर से एक एनिमी जा रहा है बाहर, तो देखिए उसको भी हम कैसे अभी किल करने वाले हैं। जो कि यहाँ पे पता नहीं ये लेवल 3 का वेस्ट है कि क्या है, लोंडो कौन सा वेस्ट पहन रखा है, जो कि उसको कितनों भी डैमेज देते हैं बग्गी पे तब पर भी लोंडा किल नहीं होता, मगर वो हमको थॉमसन से देता है डैमेज। मेरा हेल्थ आप लोग देखिएगा, बहुत कम कर देता है मेरा हेल्थ ये लोंडा। यहाँ से भागने का प्लान बना रहा था, पता नहीं ये लोंडा कौन सा पन्नी और गांजा चरस फूक के आया होगा कि तुरंत भागने का ही प्लान बना रखा था ये लोंडे। मेरा बहुत ज़्यादा है यानी हेल्थ कम कर दिया। उसके बाद हम इस पर AW चिपका देते हैं, डायरेक्ट AWM से किल हो जाता है। पता नहीं ये जब हम लोंडो को यानी लोंडो का हम या क्या आप लोग भी किल करते होंगे तो उस समय बॉट आ जाता है, उस समय आपका तो ये BP जो होता होगा शरीर का बहुत फुल हाई हो जाता होगा, क्योंकि कि कोई एनिमी को किल करने के बाद ये जो बॉट आ जाते हैं तो उस समय बहुत गुस्सा उठने वाला है यानी उठता है। उसके बाद AWM को हम रिलोड करते हैं तो हमें भी देखिए एक AWM का फटका आता है। तो देखिए ये भी लोंडो को हम अभी किल करने वाले हैं जस्ट ए फ्यू सेकंड के बाद, यानी 10 या 15 सेकंड के बाद ये भी लोंडो को हम AWM से ही किल करने वाले हैं। यहाँ पे लोंडो का भी एक AWM का शॉट लगता है, उसके बाद पता नहीं ये लोंडा कौन सा वेस्ट पहना होता है। देखिए कितना भी गन मारे अभी ये लोंडा नॉक ही नहीं होता है। उसके बाद ये लोंडा अंदर की तरफ भागने लगता है, हम अंदर भी जाते हैं तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं लोंडा किधर गया नहीं गया। उसके बाद फुल स्टेप आता है कि लोंडा इधर के साइड ही भागा है। तो देखिए ये लोंडो को हम अभी कैसे किल करने वाले हैं, ये क्या इसका नाम था राम दाग, हम तो ठीक से देखे भी नहीं। ये लोंडो को फिनिश करने के बाद बहुत देर हम यानी बंदे को ढूंढते हैं, ये हमें नहीं ढूंढ यानी हमें नहीं मिलता। तो उसके बाद आ जाते हैं लास्ट जोन में। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा। तो गाइस फिर से कल मिलते हैं एक नई गेम प्ले वीडियो के साथ, आज के लिए बाय बाय।